डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुमार रास में यहां पर क्लस्टर स्तरीय खेल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और यह आयोजन अब संपन्न हो चुका है। दंतेवाड़ा में यह आयोजन किया गया था जिसके बारे में यहां के प्राचार्य ने जानकारी दी है। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुमार रास दंतेवाड़ा में आज जोन आई में क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। स्कूल के प्राचार्य के द्वारा यहां पर पत्रकारों को बताया गया कि कुल दो दिवसीय आयोजन किया गया था जिसके प्रथम चरण में ट्रेक और फील्ड इन्वेस्ट डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जवांग गिदम के साथ ही 27 नवंबर को आयोजित और कबड्डी खेल खो खो के साथ ही अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के चार जिलों दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर के साथ ही नारायणपुर के 13 स्कूलों के 463 बच्चों ने यहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और जहां पर जो टीम प्रथम आई है उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। देयर आर अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स इन आवर जोन पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट and there are track events and field events and team events. Team events will be held in Kumar Ras on 28th 2023 and today we have been conducted track events in Javanga and students of DAV Deputy Regional Officer Sri Prasad Kumar Ji, Assistant Regional Officer डॉक्टर डी कामेश्वर राव जी के निर्देशन पर चार जिलों के 13 स्कूलों के प्रतिभागी आज इस खेल समागम में हिस्सा ले रहे हैं। यह क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता जोन आई का हो रहा है जिसमें 463 बच्चे शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा ऑफिशियल्स भी है, कुल 500 लोगों की यहाँ हुजूम यहाँ पर इस टूर्नामेंट इकट्ठा है और यहां से जिन खिलाड़ियों का चयन होगा खो खो कबड्डी और वॉलीबॉल में उन्हें अगले स्तर पर यानी कि आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय डीएवी स्पर्धाओं में उनको भेजा जाएगा। डीएवी नेशनल की मान्यता सीबीएसई द्वारा भी है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी मान्यता है और उनका सारा लाभ नेशनल खेलने वाले बच्चों को वहां के विजेता बच्चों को निश्चित रूप से मिलेगा। हम काफी उत्साहित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद ठाकुर जी का और जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीवास्तव जी और रजनीश जी का विशेष तौर से आभारी हूं जिन्होंने इस खेल समागम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।